Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugda EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। कतर में जिन 8 भारतीयों को सजा हुई है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि सभी की रिहाई के लिए भारत सरकार प्रयासरत है। केरल सीरियल ब्लास्ट के आरोपी डोमिनिक मार्टिन का दुबई कनेक्शन सामने आया है। वो कई साल यूएई में काम कर चुका है, 2 महीने पहले ही वो भारत लौटा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी एसडीएस कार्यालय में अपना नामांकन भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मेहसाना से प्रदेश को हजारों करोड़ों की सौगात देंगे। गाजा में इसराइल के हमले जारी है। गाजा में अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में हुई रेल दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद राशि का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सिसोदिया की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया। घरेलू बाजार ने सप्ताह की शुरुआत दबाव के साथ की है। वैश्विक बाजारों से मिल रहे नकारात्मक संकेतों के बीच एक दिन पहले आई रिकवरी बाजार के खुलते ही थम गई। केरल में हुए धमाके के बाद सियासत तेज हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के धमाके को लेकर एक बयान पर नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन तेज हो गया है। इसे देखते हुए शरद पवार की पार्टी ने राज्यपाल से केंद्र से इस मुद्दे पर बात करने की मांग की है। महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे और अगर ऐसा हुआ भी तो उन्हें विधान परिषद के सदस्य के तौर पर निर्वाचित किया जाएगा। बीड में मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हो गया। बीड जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद यहां एसटी बस सेवा बंद कर दी गई है। ये फैसला विभागीय नियंत्रक की ओर से लिया गया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार डेंगू से संक्रमित हो गए हैं। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने एक्स पर पोस्ट कर इस बाबत जानकारी प्रदान की है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उदयनिधि स्थल इन सनातन धर्म का उन्मूलन करने की बात कर रहे हैं। बावनकुले ने सवाल किया है कि क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी इससे सहमत हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि इसराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीन मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के रुख से पूरी तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के हमले का जवाब देते हुए पवार ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के बयान जमीनी हकीकत से बहुत दूर है और उन्हें इस मुद्दे पर ठीक से जानकारी नहीं दी गई होगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कुछ दिनों पहले डबल डेकर बस इतिहास के पन्नों में खो गई थी। अब बारी प्रतिष्ठित पद्मिनी प्रीमियर कंपनी की काली पीली टैक्सी की है। 30 अक्टूबर को मुंबई की शान कही जाने वाली यह टैक्सी अपना अंतिम सफर तय करेगी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा नेता मनोज जरांगीत पाटिल अनशन पर है और अब शिंदे गुट के हिंगोली लोकसभा क्षेत्र के सांसद हेमल पाटिल ने मराठा आरक्षण के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। विक्रांत मेसी की फिल्म 12th फेल के मुकाबले पहले दिन कंगना के तेजस ने अच्छी कमाई की थी। हालांकि दूसरे दिन से मामला उल्टा पड़ गया और तीसरे दिन भी विक्रांत की फिल्म ने तेजस से ज्यादा कमाई की है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 10 के 3 महीनों का सफर जल्द खत्म होने वाला है। शो के ग्रैंड फिनाले के लिए मेकर्स के साथ साथ कंटेस्टेंट्स और जज खूब मेहनत कर रहे हैं। इस शो के 6 टॉप एनलिस्ट की भी जजों ने घोषणा कर दी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।